वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, इन रिवीजन सेशन आवर चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड में जो है ये आपका RBC WBC है ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होते हैं, इसके बारे में देखा था। ठीक है, इसी तरह इसमें आपको जो है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में डिफरेंस के लिए टेबल बनी हुई है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जिसमें ब्लड ये एक तरह के ट्यूब होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। सो ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। ठीक है ना, आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरी वेंस जो है इनका ब्लड का लाने ले जाने का काम, और कैपिलरीज का जो है आर्टरीज और वेन में ट्रांसपोर्टेशन या चेंज करने का काम है। जैसे आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी आर्टरीज का काम है हार्ट से बाकी सारी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुँचाना, जबकि वेन्स का काम क्या है, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। बाकी सारे पार्ट से वापस हार्ट तक ब्लड पहुँचाने का काम वेन्स का काम रहता है। उसी तरह अगर कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरी आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरी टू वेंस, और आर्टरी को वेन से जोड़ने का काम कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज। सो इस तरीके से इसमें आर्टरीज और वेंस में भी डिफरेंस बताया हुआ है आपकी बुक में, आप देखेंगे तो। और फिर इसमें देखते हैं कि हार्ट जो है, द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। और हार्ट का काम क्या रहता है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट कर देता है। और ये डबल लेयर्ड मेंबर एक पेरिकार्डियन मसल से मिलके बना हुआ रहता है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, सो ये हार्ट की वजह से ही हमारी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये एक स्केमेटिक डायग्राम बना रखा है समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है। ठीक है ना, जिसमें आपको बताया कि ये जो हार्ट है ना, यहाँ से मान लो ये ब्लड गया इधर, इधर बॉडी पार्ट में उसको जो काम करना था, जो चीज़ें आदान प्रदान करना था वो करके, और फिर रिटर्न होकर हार्ट में आ गया। फिर यहाँ से जाएगा इस तरीके से लंग्स में, तो लंग्स में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो जो काम बाकी बॉडी में पहुँचाने का जो होता है ना आर्टरीज का, इधर उल्टा काम होता है। इधर जैसे आर्टरी क्या करती है, हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में खून ले जाती है, लेकिन यहाँ पर आर्टरीज क्या करती है, लंग्स तक, लंग्स से उल्टा लाती है आर्टरीज, है ना। तो इस तरीके से लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में आता है और वहाँ से फिर पूरा बॉडी में जाता है। फिर वहाँ से फिर जब उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट उसको फिर से लंग्स में पहुँचाता है ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो इस तरीके से हार्ट का काम रहता है। और हार्ट बीट क्या होती है, वन कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट ऐसे ऐसे होता है ना, पंप करता है, तो उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। तो एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है, 72 to 80 पर मिनट। एक मिनट में हार्ट बीट कितनी रहती है, 72 to 80। ठीक है, और आपने देखा होगा डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से इसको देखते रहते हैं, है ना। हार्ट बीट को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है ना, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का जो निकलना होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बाहर निकलने का जो तरीका होता है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है ना, सो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में, किडनी में ब्लड वगैरह की सफाई होती है, उससे भी यूरिन वगैरह बाहर निकलते ही है। ठीक है, और ह्यूमन में अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ से जो है हमारा मलमूत्र बाहर निकलते ही है। लंग्स में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और स्किन से स्वीट के थ्रू, स्वीट इज़ ए लिक्विड वेस्ट, और उसके थ्रू स्वीट ग्लैंड्स रहती है, उससे भी हम स्वीट यानी पसीना, उससे भी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है किडनी। तो किडनी क्या करती है, ये जो है ब्लड को साफ करने का काम करती है। हमारी बॉडी में दो किडनियाँ रहती है ना,
तो इसके बारे में जो है, ब्लड आता है और किडनी उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है और यूरिन के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। किसी की किडनी फेल्योर हो जाती है तो उस पर्सन को जो है डायलिसिस यानी मशीनों के द्वारा उसका ब्लड साफ किया जाता है, ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, और अब हमारे ब्लड के थ्रू क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है ना। तो उसी तरह जैसे हमारी ब्लड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, उसी तरह प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जो कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स वेसल्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें भी चीज़ें जड़ों से जो है जाइलम टिश्यू रहते हैं वो चीज़ों को ऊपर पहुँचाते हैं, और ऊपर जब खाना बनता है पत्तियों में तो वो फ्लोएम के थ्रू फिर से पूरे पेड़ में इधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है ना, आप इसका अच्छे से एक बार स्टडी करेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको पहले चैप्टर के साथ में पीडीएफ बना के दिया था, और अभी आपको एक साथ सारे चैप्टर का पीडीएफ क्वेश्चन बैंक बना के भेज दिया गया है, आप उसको अच्छे से देखेंगे। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है, मल्टीपल चॉइस आपके आने वाले हैं, ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसका खास ध्यान रखें, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर आप ना भी करेंगे तो चलेगा। ओके, बाय।